हम जानते हैं दोस्तों कि एवेंजर्स की एंड गेम फिल्म आ रही है, यानी कि एवेंजर्स एंड गेम आ रहा है। अब ऐसे में दोस्तों फिल्म को प्रमोट करने के लिए और फिल्म का एक थीम सॉन्ग जो कि एआर रहमान साहब ने बनाया है उसे प्रमोट करने के लिए मिस्टर जॉय रूसो, जो कि ऑफ कोर्स एवेंजर्स के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम बनाई है, वो आते हैं इंडिया और करते हैं वो बातचीत हमारे इंडियन मीडिया से। सो ऐसे में दोस्तों एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात वो बोलते हैं कि वो तो दीवाने हैं भैया दबंग सीरीज के। जिस तरीके से उसमें कैमरा वर्क है, जिस तरीके से सलमान खान ने काम किया है, जिस तरीके से फिल्म का टोन है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा लुभाता है। और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था उसी दौरान मुझे दबंग के बारे में पता चला, और वो दबंग को डबैंग कहते हैं, तो दबंग के बारे में पता चलता है और मुझे पता चलता है कि अच्छा इस तरीके की भी फिल्में बन रही है। जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मैं माइंड ब्लोन हो जाता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा शानदार काम किया है। तो इस पर इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर आपको हमारे भाईजान सलमान खान को किसी एवेंजर के कैरेक्टर में आपको उनको कास्ट करना हो तो किस कैरेक्टर में करेंगे, तो मिस्टर जॉय रूसो पता है क्या कहते हैं कि मैं हल्क के कैरेक्टर में सलमान खान को देखना चाहता हूँ। ये लो जी, याद है आपको मैंने एक पब्लिक वर्डिक किया था जिसमें मैंने जनता से पूछा था कि अगर इंडिया में एवेंजर बनेगी तो कौन किस तरीके का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए नजर आएगा, सो सुन लीजिए। तो अब ऐसे में भाईजान सलमान खान को बेस्ट लगेगा हल्क का कैरेक्टर एज पर मिस्टर जॉय रूसो। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे लग रहा है कि जनता भी यही चाहती है, क्योंकि जनता ने भी यही बोला था। अगर आपको वो हमारा पब्लिक वर्डिक याद नहीं होगा तो देख लीजिएगा, डेफिनेटली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें मैं लाऊंगा राहुल भोज आपके फेवरेट चैनल में। टेक केयर।